प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक ऐसी योजना जिसमें आपको फ्री में बिजली तो मिलेगी ही, प्लस आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी। इस योजना में आपको 300 यूनिट्स तक बिजली फ्री मिलेगी, साथ ही आपको सरकार की तरफ से 78,000 रुपीस तक की सब्सिडी भी मिलेगी। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाने की या कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और पेपरलेस है। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा, pmsuryaghar.gov.in। ये एक नेशनल पोर्टल है, तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना होगा और उस पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये चेक करने के लिए आप यहाँ सब्सिडी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी, इसमें आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 150 यूनिट्स तक, तो आप 1 से 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवा सकते हैं और इसमें आपको सरकार की तरफ से 30 से 60 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ऐसे ही अगर आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 300 यूनिट्स, तो आप 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवा सकते हैं और इसमें आपको सरकार की तरफ से 78,000 रुपीस तक की सब्सिडी मिलेगी। तो आपका मंथली जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उसी के हिसाब से आप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं और उसी के हिसाब से आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। इस पोर्टल से अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक करके आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं, जिन्हें 340 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी मिल चुकी है। इस योजना में आपको सब्सिडी कितने स्टेप में मिलेगी और कौन से स्टेप में आपको क्या क्या करना होगा, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिलेक्ट करेंगे, अपना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर सबमिट कर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके पास पहले से ही एक बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपको कंज्यूमर नंबर एंटर करना होगा, साथ ही आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप में आपको अपना कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। इस पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे तो इसके बाद आप रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करेंगे। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म में जो डिटेल्स मांगी गई है वो आपको फिल करनी होगी। फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना एड्रेस फिल करना होगा, इसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपको प्लांट इंस्टॉल कराना होगा। इस पोर्टल पर जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, उनमें से आप किसी से भी प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड वेंडर्स भी आप इसी पोर्टल से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ वेंडर्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप अपने स्टेट या सिटी का नेम एंटर करेंगे, तो उस स्टेट या सिटी में जितने भी वेंडर्स होंगे, उन सब की आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। किसी भी वेंडर से आप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। जैसे ही आपका सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फोर्थ स्टेप में आपको प्लांट की डिटेल सबमिट करनी होगी। इसी पोर्टल पर लॉगिन करके आपको सोलर प्लांट की जो आपने लगवाया है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी होगी और आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना होगा। नेट मीटर इंस्टॉल होने के बाद फिफ्थ स्टेप में आपका कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये भी इसी पोर्टल पर जनरेट होगा, तो आप लॉगिन करके देख सकते हैं। जैसे ही आपका कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, तो सिक्स्थ स्टेप में आपको अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट करनी होगी। इसी पोर्टल में लॉगिन करके आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी है और साथ ही एक कैंसिल चेक या अपने बैंक की पासबुक ऐड करनी है। तो इसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपके उसी बैंक अकाउंट में सब्सिडी रिसीव हो जाएगी। तो जितने किलोवाट का भी आपने सोलर प्लांट लगवाया है, उसी के अकॉर्डिंग पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस पेपरलेस है, आपको किसी भी ऑफिस में जाने की या कहीं भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस आप इसी पोर्टल से लॉगिन करके कर सकते हैं। सो इस तरह से आप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अप्लाई करके सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिससे आपको फ्री में बिजली मिलेगी और साथ ही सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी। इस योजना में अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।